तो उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़ी खबर लेकर आए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक के 2000 से ज्यादा पद खाली हैं और इनको लेकर के लगातार अभ्यर्थी यहां पर मांग कर रहे हैं। साथ ही यहां पर डैड वाले भी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि जल्द ही यहां पर विज्ञप्ति जारी की जाए और इन पदों को भरा जाए। आपको बता दें कि इन पदों पर अभी शिक्षा मित्र कार्यरत हैं और बहुत से शिक्षा मित्र ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक टेट क्वालिफाई नहीं किया है। तो ऐसे में कोर्ट ने इनको आदेश दिया था कि जल्द से जल्द उन्हें टीटी क्वालिफाई करना होगा। जिन शिक्षा मित्रों ने टीटी क्वालिफाई नहीं किया है, ऐसे जो लगभग 2000 शिक्षा मित्र हैं जिन्होंने अभी तक टीटी क्वालिफाई नहीं किया, उनके पदों को रिक्त माना जाएगा और जल्द ही इन पदों पर विज्ञप्ति जारी की जाएगी। लेकिन ऐसे में एक ऑफिशियल यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी हुआ है कोर्ट की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि जो शिक्षा मित्र जिन्होंने अभी तक टेट फर्स्ट क्वालिफाई नहीं किया, उनके लिए अनिवार्यता को अब समाप्त की जाती है। यानी जिन्होंने टेट क्वालिफाई नहीं किया है वो भी अब शिक्षक बन सकते हैं। तो इस प्रकार से जो शिक्षा मित्र स्कूलों में लगे हुए हैं जिन्होंने टेट क्वालिफाई नहीं किया है, उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है और राहत भरी खबर है। वहीं कुछ अभ्यर्थियों के लिए बुरी खबर भी है, जो जिन्होंने अच्छे नंबरों से टेट क्वालिफाई किया हुआ है और लगातार वो इस उम्मीद से बैठे हुए हैं कि जल्द ही प्राथमिक शिक्षक की भर्ती यहाँ पर निकलेगी, तो ऐसे में उनके लिए ये करारा झटका है। तो देख सकते हैं इस प्रकार से एक नोटिस यहाँ पर जारी किया गया है, ये ऑफिशियल नोटिस है और यहाँ पर आप डेट भी देख सकते हैं, बिल्कुल अभी जल्दी की डेट पड़ी हुई है, ये 8 सितंबर 2020 की डेट है और इसमें बताया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रदीप जोशी संयुक्त सचिव उत्तराखंड शासन निदेशक दिया गया है यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड नरुलखेड़ा देहरादून। तो यहाँ पे देख सकते हैं विषय में दिया गया है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण कार्य करा रहे प्रशिक्षित औपबंधिक सहायक अध्यापकों का हिमाचल प्रदेश के आधार पर अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी फर्स्ट से मुक्त कर औपबंधन समाप्त किए जाने के संबंध में। तो यहाँ पे दिया गया कि महोदय उपयुक्त विषयक श्री ललित द्विवेदी प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड समायोजित प्राथमिक शिक्षक संघ का पत्र दिनांक 23/8/2020 को कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जो कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण कार्य करा रहे प्रशिक्षित औपबंधिक सहायक अध्यापकों का हिमाचल प्रदेश के आधार पर अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी फर्स्ट से मुक्त कर औपबंधन समाप्त किए जाने के संबंध में है। अतएव उक्त पत्र की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17 अप्रैल 2020 के आलोक में सुसंगत नियमों के अंतर्गत विषयगत प्रकरण के में सुस्पष्ट आज्ञा विभागीय अभिमत सहित शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया कि जिस प्रकार से यहाँ पर पहले भी कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि जो जिन्होंने भी टेट यहाँ पर क्वालिफाई नहीं किया है उनके पदों को रिक्त माना जाएगा और जल्द ही उन पदों पर भर्ती की जाएगी, या तो उनके लिए कुछ समय दिया गया था कि जल्द से जल्द उन्हें टेट क्वालिफाई करना होगा अगर उनको यहाँ पर रहना है तो। लेकिन अब जो है यहाँ पर एक हिमाचल प्रदेश के आधार पर ये यहाँ पर पत्र जारी किया गया है कि जिन्होंने टेट क्वालिफाई नहीं किया उनको भी अब इससे मुक्त किया जाएगा और उनको भी जो लगातार यहाँ पर शिक्षा मित्र काफ़ी लंबे समय से लगे हुए हैं, अब उनकी यहाँ पर नौकरी पक्की कर दी जाएगी। तो ऐसे में उन अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर करार झटका है जो जिन्होंने लगातार यहाँ पर 2000 पदों की मांग कर रहे थे और जो काफ़ी लंबे समय से जिन्होंने अच्छे नंबरों से टेट यहाँ पर क्वालिफाई किया हुआ था, उनके लिए बड़ी खबर है और एक झटके वाली खबर भी है। इसी के साथ आपको बता दें कि उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के जो यहाँ पर 2019 में वैकेंसी निकली थी उसका अभी तक हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई है। लगातार काफ़ी महीने से सुनवाई चल रही थी लेकिन कोई भी फैसला यहाँ पर नहीं लिया गया, केवल इसको भर्ती को लटकाए हुआ है। वहीं अभी डीएलएड वाले भी लगातार यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि डीएलएड की जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी भी यहाँ प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं, वो भर्ती तब तक नहीं आएगी जब तक जो मामला लंबित है हाईकोर्ट में, जब तक उसका कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक वो भर्ती भी नहीं आएगी। जैसा कि आप देख रहे होंगे आजकल लगातार न्यूज़पेपर में यहाँ पे लगातार आ रहा है कि डीएलएड वाले लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अलग अलग मंत्रियों से मिल भी रहे हैं और वो भी यहाँ पे मांग कर रहे हैं कि जल्द ही उनको भर्ती किया जाए, लेकिन जब तक हाईकोर्ट में जो 2019 वाली जो भर्ती लटकी हुई है जब तक उसका फैसला नहीं आ जाता तब तक कोई भी नई भर्ती नहीं आ पाएगी। तो इस प्रकार से ये एक अपडेट थी जो आप लोगों तक पहुँचाई गई है।